हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्पज से। ऊजेनेसिस अक्सर इससे क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ऊजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं ऊजेनेसिस। वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, चलिए आगे चलें। ऊजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऊजेनेसिस मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ऊजेनेसिस विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उससे ऊजेनेसिस डिफरेंट है। मेल गैमेट का बनने का प्रोसेस और फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस जो है अलग अलग है, एक ही नहीं। ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवेरी। जो पहला डिफरेंस है ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चालू हुआ था एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। उसकी शुरुआत हुई है प्यूबर्टी में, ठीक है जी। जबकि ऊजेनेसिस की शुरुआत हो जाएगी कहाँ पे? फीटल लाइफ में ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही हो जाएगी। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन, मिलियन 10 लाख, नियर अबाउट 20 लाख, मिलियन का डबल, कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल 20 लाख सेल्स हैं लगभग, फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवेरी। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को देखिए, मैं रेड पेन से फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जबकि वहाँ पे हमने देखा था कि प्यूबर्टी आने के बाद स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर बढ़ रहा था बर्थ के बाद भी। इनका नंबर नहीं बढ़ेगा बर्थ के बाद। तो पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसकी शुरुआत ऊजेनेसिस की फीटल लाइफ में होगी, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द म्यूटिक डिवीजन एंड गेट्स टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज फॉर प्राइमरी ओओसाइट। तो ये ऊगोनिया, ये ऊगोनिया एंटर हो जाएगी किस में? मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस डिवीजन में एंटर होगी। मियोसिस डिवीजन आप जानते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में फर्दर आप देखेंगे कि हमारा जो माइटोसिस एम फेज है उसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आके ये रुक जाएगा प्रोग्राम, डिवीजन रुक जाएगा। ये सेल्स जो प्राइमरी हमारी ऊओसाइट कहलाएंगी, बेसिकली ऊगोनिया प्राइमरी ऊओसाइट में जब ट्रांसफॉर्म हुई वो एंटर हुआ प्रोफेज मियोसिस डिवीजन में, और मियोसिस डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में प्रोसेस रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। जैसे ट्रेन कहीं आप जाते हो आउटर पे रुक जाती है, दिल्ली गए तो पता लगा गाजियाबाद या आपके वो मिंटो ब्रिज के आउटर पे रुक गई। दिस सेल्स स्टार्ट डिवाइड डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ओओसाइट। तब हम इसको प्राइमरी ओओसाइट बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलो आगे, चलिए आगे चले। जी अब आइए आप देखिए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल क्या होते हैं उनकी बात कर लें। ईच प्राइमरी ओओसाइट गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। प्राइमरी ओओसाइट है, प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी किसकी? ग्रेनुलोसा सेल की। ईच प्राइमरी ओओसाइट, ऊगोनिया, ऊगोनिया जितनी बन चुकी थी बन चुकी थी, ये एंटर किस में हो गई? प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट में। तब ये क्या कहलाएगी? ओओसाइट।
और ये उस साइड के चारों तरफ जब प्राइमरी ग्रैनुल ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाएगी तब ये कहलाएगी प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आई बात? प्राइमरी फॉलिकल क्या है? हमारे क्या थे? उगोनिया डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं जब फीटल लाइफ में। अब ये उगोनिया ट्रांसफॉर्म हुए प्राइमरी ओओसाइट में, और प्राइमरी ओओसाइट एंटर हो गई किसमें? मियोसिस फर्स्ट में, प्राइमरी ओओसाइट। और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया प्रोसेस, और इसके चारों तरफ प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल एक लेयर बना लेगी, तब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? अब लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बर्थ हुई है, प्रोसेस रुका हुआ है, हॉल्ट है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे। देयर फोर आफ्टर प्यूबर्टी ओनली 60,000 टू 40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो बर्थ होने के बाद भाई टू कपल्स से लगभग 20 लाख थे, घटते 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 कितने रह गए? 60 से 80 हज़ार एक प्राइमरी फॉलिकल एक ओवेरी में, 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स रह जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स हर ओवेरी में। ठीक, फिर से समझ लीजिए बात। जो प्राइम हमारी प्रीमॉडल जर्म सेल है, प्रीमॉडल जर्म सेल कौन है? प्रीमॉडल जर्म सेल है यहाँ पे उगोनिया, उगोनियम और प्लूरल उगोनिया। उगोनिया से बना प्राइमरी ओओसाइट ट्रांसफॉर्म हुआ उसमें, ये मैच ग्रोथ करके प्राइमरी ओओसाइट। ये प्राइमरी ओओसाइट एंटर हुई किसमें? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में एंटर होने के प्रोफेज में ही प्रोसेस रुक गया, और प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बन गई, तभी हो गया प्राइमरी फॉलिकल। पैदा होने के बाद नंबर नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्यूबर्टी तक, पैदा होने से प्यूबर्टी तक इनका बहुत बड़े पैमाने पे डीजनरेशन हो जाएगा, और केवल 60 से 80 हज़ार प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल हर ओवेरी में बचेंगी। ठीक है, ओके। अब प्यूबर्टी आ गई है, प्यूबर्टी आने पे क्या हो रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल पे आइए। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका लेयर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी आने पे सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगी, तो उसके चारों तरफ और ग्रैनुलोस, पहले एक लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल की, तो प्राइमरी फॉलिकल, अब उसके चारों तरफ और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होगी, और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर हो गई, साथ में नया थीका बन गया। थीका का मतलब होता है छिलका, न्यू थीका सेल्स। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, अंदर और बाहर, ये इसमें सेल्स, मतलब थीका की सेल्स और आ गई, और लेयर बन गई, थीका सेल्स आ गई, थीका की लेयर बन गई, तो ये हो गई अब सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब समझ लीजिए, इससे आप लोग कंफ्यूज होते हो। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था हमारा ओओसाइट, प्राइमरी ओओसाइट। प्राइमरी ओओसाइट एंटर हुई प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में प्रोसेस रुक गया, और प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ एक लेयर ग्रैनुलोसा सेल की जब आ गई, तब हम इसको बोलने लगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बोलना है, प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी आई तब इसके चारों तरफ और ग्रैनुलोसा सेल्स आ गई, प्यूबर्टी आने पे ये ग्रैनुलोसा सेल्स और आ गई। अब ये हो गया क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। साथ के साथ इसमें क्या बन जाएगा? थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल छिलके बन जाएंगे और आवरण बन जाएगा, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, ये है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में कब बदली है? आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल ही रहेगी, और एक ओवेरी में बर्थ से लेके प्यूबर्टी ए जाने तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होती रहेंगी, और प्यूबर्टी आने तक उस पर कितनी बचेंगी? केवल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पर ओवेरी। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदल गई। ठीक है, हर चीज़ समझ लीजिए, हर टर्म समझ लीजिए, ताकि आपको रटना ना पड़े। प्राइमरी फॉलिकल
not tertiary follicle, secondary follicle. So secondary follicle, the primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca layer, and now this is called as secondary follicles. ठीक, ये secondary follicle बन गई. तो cell, ये cell का केंद्रक, ये cell की cell membrane, cell membrane के बाद zona pellucida, ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना. ये क्या है? ये है सेकेंडरी फॉलिकल. वीडियो आप पॉज करके इसका डायग्राम यहाँ से उठा सकते हो, देख सकते हो. रटने की क्या बात है, ये थी हमारी प्राइमरी ओसाइट. प्राइमरी ओसाइट के जब चारों तरफ एक लेयर बनी है केवल, तो वो हो गई प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के बाद जब और लेयर बन गई और साथ में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना भी बन गया, तो कहलाने लगा सेकेंडरी फॉलिकल. क्लियर समझ लीजिए बिल्कुल. आगे चलिए टर्शरी फॉलिकल पे आइए. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. तो ये एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अभी तक ये सेकेंडरी फॉलिकल था, जब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाएगा तब ये टर्शरी फॉलिकल कहलाने लगेगी. तो ये खूब पूछा जाता क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम किस में मिलती है? द फ्लूइड फिल्ड एंट्री कैविटी एंट्रम इज फाउंड इन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ऑल ऑफ द अबव. कई तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. या पूछा जाता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच यू कैन से दैट सेकेंडरी फॉलिकल इज नाउ गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शरी फॉलिकल. कि सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बदल गई, किस फीचर को आप देख के इस चीज को कह पा रहे? तो प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल. एंट्रम बन जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इंटू इनर थीका लेयर एंड एक्सटर्नल थीका लेयर. थीका लेयर जो बनी थी व्यवस्थित हो गई है, आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना. ओके, चलिए आगे चलें. टर्शरी फॉलिकल तक आ गए. अरेंज सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस ऑफ द ओवम थीका एक्सटर्ना. ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको आप होल्ड पे करिए, आगे इसको देखते हैं. पहले हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ लें. और तब उसकी बात करेंगे, अभी उससे बात करने से फ़ायदा नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एट दिस स्टेज द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कम्प्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो अभी तक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या थी? प्राइमरी ओसाइट. सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या थी? प्राइमरी ओसाइट. और टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी तक क्या है? प्राइमरी ओसाइट. लेकिन अब एंट्रम बनने के बाद, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बनने के बाद, अब ये जो प्राइमरी ओसाइट एंटर हुई थी प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में, ये अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेगी. विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इट इज़ अनइक्वल डिवीजन. यहाँ पे ये बात देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस आपस में फ़र्क है थोड़ा सा, एक जैसा नहीं है. कि इसमें ओजेनेसिस में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल टाइप का है. इक्वल टाइप का नहीं है, मतलब पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बनेंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी. पोलर बॉडी जो बनेगी वो छोटी होगी, ये बनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये थी हमारी प्राइमरी ओसाइट, ये बनी सेकेंडरी ओसाइट. ये थी प्राइमरी ओसाइट जो किस में थी? टर्शरी फॉलिकल में. इसने अपना मियोसिस डिवीजन, अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, और ये पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनी. दो डॉटर सेल, एक तो बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी बनी है सेकेंडरी ओसाइट. तो समझिए, एक के साथ फर्स्ट लगा, एक के साथ सेकेंडरी लगा. इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन वो फंसा लेते हैं कि प्राइमरी ओसाइट या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हुआ है तो कौन सी दो डॉटर सेल बनी है, इस तरह से पूछेगा. क्योंकि ये नहीं लिखेगा प्राइमरी ओसाइट में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर वो ये लिख देगा कि प्राइमरी ओसाइट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो बट नेचुरल है कि सेकेंडरी ओसाइट बनेगी.
ठीक है, वो आपसे पूछेगा इन द प्रोसेस ऑफ टू जिनेसिस व्हेन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड द टू डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म इज नोन एज और आर नोन एज, तो एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा लिख देगा फर्स्ट हम अपना प्राइमरी ओवोसाइट। तो फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ अगर आप उसको मिलान नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे आप, फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ सेकेंडरी ओवोसाइट नहीं टिक करोगे। कॉम्बिनेशन वो जो देगा वो आपको देगा फर्स्ट पोलर बॉडी अलॉन्ग विद प्राइमरी ओवोसाइट। एक तो ये कॉम्बिनेशन दे रहा है, एक दे रहा है जी सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट, और एक कॉम्बिनेशन आपको सही वाला भी देगा फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओवोसाइट। तो आप मोस्ट प्रोबेबली टिक किसको कराओगे, सेकेंड पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओवोसाइट। समझे कहानी 10 मिनट पिछली क्या बोली? अरे भाई वो पूछेगा कि ओओजेनेसिस प्रोसेस हो रहा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि ओओजेनेसिस प्रोसेस के दौरान इफ वी आर ऑब्जर्विंग द ओओजेनेसिस प्रोसेस और स्टडिंग द ओओजेनेसिस प्रोसेस व्हेन द मदर गैमेट सेल कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसने सेल का आपको ये नहीं बताया कि प्राइमरी ओओसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, द टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर, कौन सी बनी है, एक तो बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बनी है सेकेंडरी ओवोसाइट। ये बात मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक तरफ सेकेंडरी ओवोसाइट बड़ी और एक तरफ छोटी पोलर बॉडी, अनइक्वल डिवीजन है, बात याद रखिएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट हैप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉयड थी, कौन, प्राइमरी ओवोसाइट डिप्लॉयड थी, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी ओवोसाइट बनी वो कैसी है, हैप्लॉइड है। डिप्लॉयड हैप्लॉइड की कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसको आप लोग मेरे सेल डिवीजन वाले उसमें चले जाइए, देख लीजिए डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, द सेकेंडरी ओवोसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट डाका डाल लेगा, ज़्यादातर सामान यहीं रख लेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी को बहुत कम देगा, पूरा सामान इसने ही ले लिया, जितना भी साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट है वो इसने ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि आगे जाइगोट बनेगा, जो बच्चा बनने जा रहा है, जीव बनने जा रहा है, उसको खाने पीने का जाइगोट को चाहिए, जब तक प्लासेंटा फॉर्मेशन हो और मदर की बॉडी से उसको फीड मिलने लगे उससे पहले उसको अपना समय काटना है, न्यूट्रिएंट उसको रिजर्व चाहिए, तो उसके लिए इसने ज़्यादातर साइटोप्लाज्म रिटेन कर लिया है, रख लिया, ठीक है जी। चलिए आगे चलें, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, किसका एडवांटेज भाई, रिटेनिंग द बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द एडवांटेज, द स्पर्म ओनली प्रोवाइड्स जेनेटिक मटेरियल टू द एम्ब्रायो, स्पर्म आ रहा है और फीमेल गैमेट आ रहा है, दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट और वो जाइगोट डिवीजन करेगा और उसी से हमारा अगला बच्चा या बच्ची जो बनना है बनेगा, जीव बनेगा। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होना है, एम्ब्रायोजेनेसिस होना, उसके लिए इससे पहले कि मदर की बॉडी से उसको अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, प्लासेंटा फॉर्मेशन के द्वारा उसको मिलने लगे फीड, उससे पहले उसको चाहिए क्या, रिजर्व फूड मटेरियल, वो रिजर्व फूड मटेरियल यही साइटोप्लाज्म, इसीलिए सेकेंडरी ओवोसाइट ज़्यादातर लगभग सारे का सारा न्यूट्रिएंट और साइटोप्लाज्म रख लेती है, एंड द एनर्जी आर प्रोवाइडेड बाय द एग ऑफ ओवम टू द एम्ब्रायो विच फर्दर हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो एम्ब्रायो और एग जिसको कि डेवलप होना है आगे, उसके डेवलपमेंट में चाहिए एनर्जी, उस एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए इसने ज़्यादातर सामान अपने पास रख लिया, किसने, सेकेंडरी ओवोसाइट में, ठीक। चलिए आगे चले, सेकेंडरी ओवोसाइट डेवलप्स फर्दर इनटू ओवम विच फॉर्म्स द जाइगोट ऑन फर्टिलाइजेशन विद द स्पर्म। सेकेंडरी ओवोसाइट ओवम बनाएगी और ओवम अगर फर्टिलाइज्ड हो गया मेल गैमेट के साथ तो जाइगोट बनाएगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, पूछा गया कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी उसका भविष्य क्या है, तो अपनी एनसीईआरटी कहती है कि इसके बारे में हमें बात नहीं करनी ज़्यादा और ये छोड़ो आप, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, कि फर्स्ट पोलर बॉडी पर ध्यान हटा लूँ, अपनी एनसीईआरटी कहती। तो आप भी ज़्यादातर अगर कहीं देखोगे, अब आप ये देखिए ना आजकल जो पैटर्न चला है, मैं देखता हूँ कि लोग गैलन को पताल को, गैलन पताल आप समझ रहे हो ना, गैलन और पताल, गैलन वही पानी जिसमें भरा जाता है, गैलन और पताल, तो गैलन और पताल के प्रेमी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो एक दो बार नीट दे लेते हो और दमू गिरते हैं
तो समझ जाते हैं कि भाई गैलन और पताल ने जो आपको मॉड्यूल दे रखे हैं वो मॉड्यूल फेक मॉड्यूल है, एक तरह से अगर देखा जाए, मतलब फेक इन द सेंस कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको केवल अपनी हनक दिखाने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के डाल देते हैं कि आपको लगेगा अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ। और जबकि आप अगर अपनी नीट की प्रिपरेशन को जानना चाहते हैं कि अप टू द मार्क है कि नहीं, जिस दिन आपको लगे आपका प्रिपरेशन पूरी हो गई, आप कोई भी 2017, 18, 19, 20 का नीट का पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए, क्रैक करिए। अगर आप 90 बायो के क्वेश्चंस में से 82-83 तक कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। और ये तब हो पाएगा अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आप ना पढ़िए कुछ इधर उधर के, गैलन के और पाताल के आप मॉड्यूल लगाने की कोशिश मत करिए, फ़ायदा नहीं है। वो फ़ायदा तब होगा जब आप 2-3 साल के रिपीटर हो और आपको एनसीईआरटी बिल्कुल रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा हनुमान चालीसे की तरह याद हो चुकी है, तब उसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से करीब 72-75 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइनर आते हैं और 6-8 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो 82-83 क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर सकते हो एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत इधर उधर से जो आपने पढ़ना है। जैसे ये पूरा लेक्चर आप मेरा देख रहे हैं तो कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने डाली हुई है, क्वेश्चन लेवल देख लीजिए और आप इनके मॉक टेस्ट वगैरह देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केवल अपनी हनक दिखाने के लिए हम बीएससी लेवल के क्वेश्चन डाल दें या वो चीज़ें डाल दें जो पूछी नहीं जाती तो फ़ायदा नहीं है। आप मिसगाइड मत होइएगा, आप केवल एनसीईआरटी को फॉलो करिए और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पिछले जो भी आप टॉपिक पढ़ें या जो भी चैप्टर पढ़ें, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें तो उसके एमसीक्यू ज़रूर लगाएं। और एमसीक्यू जब भी लगाएं तो एमसीक्यू में आप, मैं आपको प्रेफर करूँगा एमटीजी का या पियर्सन का। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आप ले लीजिए अनसॉल्व, पियर्सन का ले लीजिए, पियर्सन पब्लिकेशन अच्छा है, लेटेस्ट बिल्कुल उनके हिसाब से जो आज की तारीख में नीट का पैटर्न है उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को लगाइए, बिल्कुल एनसीईआरटी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, लौट के आते हैं, काफ़ी आपके 5 मिनट ले लिए। सेकेंडरी ओसाइट डेवलप फर्दर इनटू द ओवम विच फॉर्म्स द जाइगोट ऑन फर्टिलाइजेशन, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी हमको इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा हम श्योर नहीं है कि क्या हो रहा। चलिए आगे चले, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल चेंज हो गई मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, फॉलिकुलर फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो फॉलिकुलर फेज पढ़ेंगे। फॉलिकुलर फेज में यही है कि प्राइमरी फॉलिकल्स टर्शरी फॉलिकल्स और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स तक में बदल जाती हैं, और 14th डे अगर ऑन एन एवरेज 28-29 डेज का मेंस्ट्रुएशन है तो 14th डे ओव्यूलेशन हो जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें फॉलिकुलर फेज में यही है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ग्रेफियन, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, तो टर्शरी फॉलिकल अब भैया फिर से याद कर लो आप, ये थी हमारी प्राइमरी ओओसाइट, समझो अब आप फिर से बात समझो, ये है प्राइमरी ओओसाइट, प्राइमरी ओओसाइट ये है हमारी प्राइमरी फॉलिकल, जब उसके चारों तरफ एक फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आ गई, ये प्राइमरी ओओसाइट, ये प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स की कई लेयर हैं, मल्टीपल लेयर हो गई ग्रैनुलोसा सेल की, तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो ग्रैनुलोसा सेल की कई सारी लेयर हो गई, साथ में जोना पेलुसिडा भी सेकेंडरी फॉलिकल में आ गई है, हालांकि अपनी बुक में उसने मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, जोना पेलुसिडा भी बन गई है और बाहर की तरफ थीका भी बन गया है सेकेंडरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल क्या था कि इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाएगी, एंट्रम बन जाएगा, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी जब बन जाएगी तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल, जब इसमें बन जाएगा क्या, फ्लूइड फील्ड कैविटी। ठीक है जी, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी, ये फ्लूइड फील्ड हो गया और फ्लूइड फील्ड कैविटी बनने के बाद उसमें बन गया है एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम बन गई तो वो कहलाएगी आपकी क्या, थीका एंट्रम, एंट्रम कहलाएगा।
है, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल में बन जाएगा एंट्रम। तो ये हो गई टर्शरी फॉलिकल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। द सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेनोसिडा अराउंड इट। तो ग्राफियन फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ फिर से एक नई लेयर बन गई, ज़ोना पेनोसिडा बन गई। हालांकि ये चीज़ मैंने मेंशन करी थी आपको कि ज़ोना पेनोसिडा सेकेंडरी फॉलिकल में ही बन गई थी, अब यहाँ फिर से एक नई ज़ोना पेनोसिडा बनी है। तो अपनी बुक के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि ज़ोना पेनोसिडा लेयर किस में है पूछा नहीं जाएगा आपसे। ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज ए सेलुलर इन नेचर, कि इनमें से कौन सी लेयर है जो ए सेलुलर है। ज़ोना पेनोसिडा ए सेलुलर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती, सेल्स की नहीं बनी होती। तो सेकेंडरी वो साइट के चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बन गई है, ज़ोना पेनोसिडा बन गया है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अब ये सेकेंडरी ओसाइट रप्चर होगा और ये सेकेंडरी फॉलिकल रप्चर होगी, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, सेकेंडरी ओसाइट को लिबरेट करेगा। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर होगी और सेकेंडरी ओसाइट को लिबरेट करेगा। तो ये तो था हमारा प्राइमरी ओसाइट, वो सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, ये ग्रैनुलोसा लेयर है। ये ग्रैनुलोसा लेयर अब कोरोना रेडिएटा बना देगी, सेल्स दैट विल फॉर्म कोरोना रेडिएटा जब ये ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये भी ग्रैनुलोसा सेल है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम है, ठीक है जी। ये क्या है, ये है आपका थीक, इसके बाहर है आपका थीका एक्सटर्ना, ये है थीका इंटरना, ये है हमारा यहाँ पे आपकी ये वाली जो लेयर है, ये है ज़ोना पेनोसिडा और ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बेसल लैमिना इसको जिसने बोला है, बेसल लैमिना। ये है एंट्रम, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, सेल्स दैट विल फॉर्म द कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा बनाएगा, ये कुमुलस उफोरस, कुमुलस उफोरस। इसके बारे में अपनी बुक में कुछ बताया नहीं है लेकिन उसने डायग्राम में इसको दिखाया है, ठीक है जी। तो ये थी बेसल लैमिना, ये है सेल मेम्ब्रेन, अभी शायद मैंने इसको बेसल मेम्ब्रेन बोला था शायद, तो चेक कर लीजिएगा, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला था। तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपकी बेसल लैमिना। फिर से इसको मैं एक बार इरेज करके फिर से लिखता हूँ, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसल लैमिना, ग्रैनुलोसा लेयर, एंट्रम, ग्रैनुलोसा जो बाद में कोरोना रेडिएटा बनाएगा, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज़ोना पेनोसिडा और ये कुमुलस उफोरस, क्लियर। ये आपकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का है आपका डायग्राम, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस करने की आपको एज सच अगर देखें तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तरह से आपने लेयर्स को समझ लेना। ये थी प्राइमरी ओओसाइट, प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ जब सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स आई तो वो हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब आप समझते चलिए, इतना पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। अब प्राइमरी फॉलिकल के जब चारों तरफ और ग्रैनुलोसा सेल्स आ गई, मल्टीपल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की हो गई, तो ये हो गई सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी ओओसाइट, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल और इसके बाहर थीका लेयर भी आ गई और यहाँ पे ज़ोना पेनोसिडा भी है। इसके बाद जब इसमें बन जाएगी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जब इसमें, तब ये हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल, ठीक है।
एंट्रम जब बन गया, फ्लूइड फील्ड कैविटी बन गई, तब ये हो गया टर्शरी फॉलिकल, और थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिफ्रेंशिएट हो गई, ये हो गया आपका टर्शरी फॉलिकल। तो ये था प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल, फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंट्रम, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बन चुकी है, जोना पेलुसिडा बन चुकी है, बेसल लेमिना बन चुकी है, ये बाहर की तरफ ग्रैनुलोसा लेयर, ये अंदर की तरफ की ग्रैनुलोसा लेयर, वो बीच में से स्प्लिट कर गई, तो ये एंट्रम जो थे टर्शरी फॉलिकल में ही बन गया था, ये एंट्रम की प्रेजेंस है, ये कुमुलस ओवोफोरस है। अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गई, द टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, एक नई मेम्ब्रेन उसने बनाई है जोना पेलुसिडा। तो एज सच आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जोना पेलुसिडा, न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा कब बनी, टर्शरी फॉलिकल की। हालांकि आप बीएससी की बुक्स या हायर बुक्स कहीं भी देखोगे, किसी और साइड पे देखोगे, तो सेकेंडरी फॉलिकल से ही थीका लेयर को वो लोग बनाने लगते हैं और जोना पेलुसिडा को बताने लगते हैं कि जोना पेलुसिडा आ गई। तो जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट हम लोग इसी के हिसाब से पढ़ते हैं कि जोना पेलुसिडा आ गई और ये बन गया हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्लियर है? तो प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और ओवम, ये सारी बातें आपको याद में रखनी है, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अरेंज सीक्वेंस, अब आप ये कर सकते हो, अगर हमसे ये पूछा जाए ओवम की कौन सी लेयर है, तो सबसे पहले लेयर क्या होगी, ग्रैनुलोसा, सबसे पहले प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा लेयर, और फिर हमारी जोना पेलुसिडा, फिर थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना, ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए। अब हम लोग इस पे आ गए, कुमुलस ओवोफोरस, कुमुलस ओवोफोरस क्या है भाई, मास ऑफ स्पर्म एम्बेडेड नहीं है, मास ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन ग्राफियन फॉलिकल यही है, मास ऑफ एपिथेलियम फॉलिकल इन ग्राफियन, हीप्स ऑफ एग का ढेर नहीं है, हीप ऑफ मैच्योरिंग फॉलिकल नहीं है, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में कुमुलस ओवोफोरस एपिथेलियल सेल का ग्रुप है। कुमुलस ओवोफोरस इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स गुच्छा दैट सराउंड्स द ओसाइट बोथ इन द ग्राफियन फॉलिकल एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ग्राफियन फॉलिकल में भी दिख रहा और ओव्यूलेशन के बाद भी इसकी प्रेजेंस दिख रही है। फंक्शन ऑफ कुमुलस ओवोफोरस इंक्लूड कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड ओसाइट मैच्योरेशन, इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है कुमुलस ओवोफोरस का, फॉलिकल के डेवलपमेंट को और ओसाइट के मैच्योरेशन को कोऑर्डिनेशन कर रहा, समन्वय बिठा रहा कि फॉलिकल डेवलपमेंट हो और ओसाइट मैच्योर हो। क्या है ये, एपिथेलियल सेल का मास है इन द ग्राफियन फॉलिकल। मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस ऑन वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एट द एंड प्रोसेस पूरा हो जाएगा गिव राइज टू फोर, प्रोसेस पूरा हो जाने पे चार स्पर्मेटिड बनेंगे वेयर एज वन प्राइमरी ओसाइट फाइनली गिव्स वन एग। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन हुआ स्पर्मेटिड, वन टू थ्री फोर, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड वेयर एज, इस केस में ओसाइट के केस में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और यहाँ पे क्या बना सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ पे क्या बना फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको हमने कंसीडर ही नहीं किया, और सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन हुआ क्या बना, एक बनेगा ओवम एक और एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। तो एक ओसाइट से या प्राइमरी ओसाइट से कितनी बन रहे हैं एग, एक एग, एक ओसाइट प्राइमरी ओसाइट से एक एग वेयर एज एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड, ये फर्क है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस अब देखिए द डॉटर सेल्स आर इक्वल, डॉटर सेल्स इक्वल है वेयर एज इन ओजेनेसिस डॉटर सेल्स आर अनइक्वल, मैच्योर मैच्योरेशन फेज इज क्वाइट लॉन्गर इन ओजेनेसिस। तो हम लोगों ने तीन फेज देखे थे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद ग्रोथ और ग्रोथ के बाद मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन फेज काफ़ी लंबा है ओजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस के भी तीन फेज, गैमेटोजेनेसिस की ही दो वेराइटी, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। तो इसमें मैच्यूरेशन फेज, ओजेनेसिस के केस में मैच्यूरेशन फेज काफ़ी लंबा है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन ओल्ड एज, स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज में भी चलता रहेगा। तो भाषा नाम बापू, अगर आपको याद हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन ओल्ड एज अप टू द 65 to 70 years, वेयर एज ओजेनेसिस सीजेस अप टू द 40 to 45 years। ओजेनेसिस प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है 40 से 45 साल फीमेल जब एक्वायर कर लेती है, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इज मीनोपॉज। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस 65 से 70 साल की उम्र तक भी चलता रहता है। ठीक है जी, आगे चलिए। तो क्रोमोसोम नंबर पे आइए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में या प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी ओसाइट में कितने हैं? 23 pairs हैं। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बनी, तो नंबर 23 हो गया, उसके नीचे 23 ही रहेगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा ये चार्ट, इसको बना के। फीटल लाइफ में हो रहा है ये सब, फीटल लाइफ में ही प्रोसेस चालू हो जाएगा। मियोसिस वन में एंटर हुई, बर्थ हुआ मियोसिस वन में, अब ये हॉल्ट हो गया प्रोफेस, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में होल्ड हो गया बर्थ होने के बाद। बर्थ होने के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी, प्यूबर्टी आई, वो प्रोसेस जो रुका हुआ था फिर से उसने चालू हुआ और डिवीजन कंप्लीट हो गया फर्स्ट मियोटिक। तो पहली पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी ओसाइट बनी, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23। अब इसका डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, ये डिजनरेट हो गई और एक प्राइमरी ओवोसाइट से एक एग बनेगा। ठीक, बातें ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है।